of the one fresh mix. फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक रिव्यू लेके आई हूँ. एक मैंने किचन अप्लायंस परचेज किया था रिसेंटली इलेक्ट्रिक कैटल का. और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है. सो मैंने एक इलेक्ट्रिक कैटल लिया था अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास आया है. और वो मैंने ऑनलाइन मतलब परचेज किया है. और उसके अंदर देखिए एक तरह से मैंने ये कैटल है इलेक्ट्रिक कैटल. पहले मेरे पास इलेक्ट्रिक कैटल था जो कि प्लास्टिक मोल्डेड बॉडी वाला था और उसके अंदर एक अंदर कॉइल होता है. वो ज़्यादा मेरे को मतलब सूट नहीं किया. तो फिर मैंने सोचा था कि मैं एक इलेक्ट्रिक कैटल लूँगी जिसकी स्टील बॉडी हो और जो इजीली मतलब मेंटेन कर सकूँ, जिससे मैं वॉश कर सकूँ. तो ये मैंने किया है. देखिए ये अभी तक मैंने एक बार भी इसे यूज़ नहीं किया है. ये बिल्कुल ऑनेस्ट इसका मैं रिव्यू दूँगी आपको. इसके अंदर देखिए एक किस तरह से ये बास्केट निकली है जिसके अंदर स्टीम करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह को. और एक ये एग बॉयलर है, दिस इज एग बॉयलर. और ये एक ढोकला मेकर है, ढोकला स्टैंड. और ये छोटा सा इसके अंदर इडली का वो निकला है स्टैंड. इसके अंदर बहुत ही मिनी साइज इडलीज बनेंगी. लेकिन ये है कि आप इससे फ्राइड इडली आई थिंक सो अच्छी बनेंगी. और इसके अंदर एक ये बुकलेट निकली है जो कि ये वो बताती है कि इसके अंदर क्या क्या रेसिपीज बन सकती हैं. जैसे इसमें फर्स्ट रेसिपी बताया है कि नूडल्स और पास्ता बना सकते हैं, इंस्टेंट सूप बन सकता है, वी कैन बॉइल्ड एग्स इन दिस कैटल, वी कैन मेक टी एंड कॉफ़ी, वी कैन स्टीम कॉर्न, वी कैन बॉइल वेजिटेबल्स, वी कैन मेक इडली एंड ढोकला इन इट. और दूध भी इसमें गर्म हो सकता है. तो फ्रेंड्स तो चलिए, मैंने अभी तक इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया है तो मैं इसमें सबसे पहले आपको चाय बना के देखते हैं हम इसके अंदर कि इसमें चाय बन सकती है नहीं बन सकती. तो देखिए ये इलेक्ट्रिक कैटल आई है ऐसी मेरे पास. इसके अंदर ना इतने को नीचे नॉब है. इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शंस लिखी हुई है, सीजनिंग, कीप वार्म, लो, बॉइल, सूप, टी एंड कॉफी, नूडल्स एंड पास्ता. और ये किस तरह से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हो कोई सा भी मोड. मतलब अगर आपको बॉइल करना है तो यू कैन सिलेक्ट दिस मोड बाय टर्निंग दिस स्विच ऐसे. और ये इसके अंदर ये ऐसे इस तरह से ये ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन. सो हम सबसे पहले इसके अंदर चाय बना के देखते हैं कि इसमें चाय बनती है. तो पहले मैं इसके अंदर एक कप, इसमें जैसे दिखा हुआ है कि इसके अंदर एक कप आप पानी डाल दीजिए जितनी भी आपको चाय बनानी है. अभी एक कप बना रही हूँ. तो ये मैंने इसमें एक कप पानी डाल दिया है और इसके अंदर ये मैंने चाय की पत्ती और चीनी इकट्ठे डाल दी है. इसमें लिखा है कि इकट्ठे डाल दीजिए चाय की और चीनी. और इसको मैंने स्विच ऑन कर दिया है और यहाँ से इसे ऑन कर दिया. और इसको फिर हमें क्या करना है, बॉइल ऑप्शन पे रखना है. जब ये बॉइल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से स्विच ऑफ हो जाएगा. देन आप इसका टेम्परेचर जो आप इसका मोड है ये टी एंड कॉफी मोड के ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए. हाँ वो टी इज रेडी. अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे कप में. चाय तो इसमें बढ़िया बनी है. अब नेक्स्ट जो चीज हम ट्राई करते हैं इसके अंदर बनाएंगे हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स. तो इसके अंदर बॉइल्ड वेजिटेबल्स मैं करके देखती हूँ. तो इसकी रेसिपी मैं देख लेती हूँ क्या लिखा है इसमें. इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं कि हमें चॉप्ड वेजिटेबल्स चाहिए, कैप्सिकम, कैरेट, ग्रीन पीस, फ्रेंच बीन्स, कॉलीफ्लावर 150 ग्राम्स. मतलब इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी 150 ग्राम्स है. और इसके अंदर 600 ml हमें वाटर चाहिए होगा. पानी इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ. ये मैंने नाप के रखा हुआ है 600 ml. ठीक है. ये जो जितनी भी ये जो वेजिटेबल्स हैं इसको मैं इन बास्केट में प्लेस करना है. तो ये इसमें डाल देती हूँ एंड प्लेस द बास्केट इनसाइड द कैटल. ये मैं देख रही हूँ कि इसको ये जो सब्जियों को सब्जियों के ऊपर तक पानी आ गया है. ओके देन नेक्स्ट लिखा है सेट द नॉट टू बॉइल पोजिशन एंड क्लोज द ग्लास लिड. ये बॉइल पोजिशन के ऊपर सेट करके क्लोज द ग्लास लिड. Then switch on your kettle. Next इसमें लिखा हुआ है कि the multi cook will automatically switch off after 3 minutes. 3 मिनट के बाद ये kettle अपने आप ऑफ हो जाएगा
और इसको अपने आप इस सब्जियों इस बास्केट को आपको इसमें से निकालना नहीं है। 7 मिनट्स तक आपको इसी के अंदर इस बास्केट को रहने देना है। मतलब ये मैं मानती हूँ कि इसकी स्टीम से ये वेजिटेबल्स कुक हो जाए। अब ये 7 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये देखते हैं हम कि ये वेजिटेबल्स सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। ये बहुत गर्म है अभी तो मैं अच्छी तरह से इसके अंदर सॉफ्ट हो गई है, पीस भी हो गई है। तो मैं एक बास्केट को इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स को एक बाउल में मैंने निकाल लिया। बनाते हैं इसमें नूडल्स और पास्ता। तो इसमें मैंने लिखा है कि इसमें नूडल्स 100 ग्राम्स तक बन जाएंगे। इसके लिए हमें 500 ml ऑफ वाटर चाहिए होगा। ये मैं इसके अंदर ये 500 ml पानी मैंने इसके अंदर डाल देती हूँ। पहले कैटल में 500 ml वाटर लेके इसको बॉइलिंग मोड के ऊपर सेट करके ऑन कर दीजिए। और जब इसमें बॉईल आ जाएगा फिर हम पास्ता को बास्केट में डाल के इसमें रखेंगे। अब ये स्विच ऑफ हो गया है, ऑटो स्विच ऑफ हो गया है। इसके अंदर अब मैंने ये पास्ता डाल के बास्केट में रखा था। पास्ता को इस वाली वेजिटेबल बास्केट में जिसने अपने वेजिटेबल्स बॉइल की थी सेम उसी प्लास्टिक बास्केट में डाल के इसको उसके अंदर रख देना है। नेक्स्ट ये देख लीजिए कि मेरे को लगता है इसके जो है प्रॉपरली अच्छी तरह से सारा पास्ता इसके अंदर पानी से सोक्ड होना चाहिए। मतलब पानी का जो लेवल है वो पास्ता के ऊपर तक आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। मेरे हिसाब से इसमें पानी थोड़ा सा ऊपर तक डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर आपको नूडल एंड पास्ता मोड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इसको स्विच ऑन करना है। अब ये ऑटो ऑफ ही हो गया था अपने आप से 4 मिनट में ही ऑटो ऑफ हो गया था। और ये पास्ता मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, बॉइल देखिए अच्छा हो गया है इसके अंदर पास्ता। अब ये पास्ता अब इस कैटल सेम कैटल में मैंने पानी देखिए निकाल दिया है इसका सारा। अब इसके अंदर ये पास्ता डालेंगे। ये पेस्ट मेकर, इसके अंदर आप वो भी डाल सकते हो पास्ता सॉस। और ये जो हमने बॉइल्ड वेजिटेबल्स किए थे वो सारे डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, 2-3 चम्मच के आसपास मैंने पानी ऐड किया है। अब प्रॉपरली इसको तो एक बार हिला लीजिए। सेट कर दूंगी और इसको ऑन कर देंगे और इसकी ग्लास लिड को कवर नहीं करना है। मैंने 500 ml पानी लिया। इडली बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये इडली बैटर है इंस्टेंट इडली जो मैंने अपना मिक्स बनाया था अपने चैनल में, ये वही मिक्स मैंने लिया है। अब ये इसके साथ जो इडली स्टैंड आया है ये बहुत ही बेबी मोल्ड्स हैं। देखिए तो ये जो मोल्ड्स हैं ये मेरे को लगता है सिर्फ फ्राइड इडली में ही काम आएंगे। लेकिन हाँ ये है कि अगर एक जने के लिए आपको फटाफट बनानी है मॉर्निंग में तो ये बेस्ट है। तो मैं आपको ये सारा फिल करके दिखा देती हूँ और फिर देखते हैं इसको। पहले 500 ml को आप पानी को बॉईल कर लीजिए। 500 ml पानी लिया है मैंने और ये इसको इडली स्टैंड को मैंने इसमें रख दिया है। नेक्स्ट कवर द लिड, बॉईल पोजीशन पे ऑन करके इसको स्विच कर दीजिए ऑन। जब बॉईल होगा तो ये अपने आप ऑटो ऑफ हो जाएगा और इतनी ही देर में आपकी इडली कुक हो जाएगी। अब ये इडली बन रही है। देखिए इसमें ये 3.5 मिनट में नहीं बन के रेडी हुई थी, मैंने बीच में देखा था तो मैंने दोबारा से एक बार और इसको बॉइल मोड पे डाला था तब जाके ये अच्छी सॉफ्ट बन गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया इडली बन गई है, इसके अंदर सच में अच्छी बन के रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स मैंने ये किचन इलेक्ट्रिक कैटल से मैंने ये डिफरेंट चीजें आपके साथ ट्राई करी है।
एक चाय बना ली है, कुछ वेजिटेबल्स मैंने बॉईल करके दिखाए आपको और कुछ मैंने इसके अंदर पास्ता बनाया है और ये इडली बनाई है। इसी तरह से आप इसके अंदर काफी सारी जो चीजें मेंशन की हैं बुक में, जैसे कि आप इसके अंदर ढोकला भी बना सकते हैं, इसके अंदर आप एग बॉईल कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके की चीजें आप इसके अंदर मतलब यूज कर इस कैटल को यूज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक कैटल उन लोगों के लिए यूजफुल है जैसे जो लोग बाहर रहते हैं घर से, जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या बैचलर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। और जैसे आपके घर में कोई बीमार है वो आपको थोड़ी सी चीज बॉईल करके उनको देनी है, या आप डाइट प्लान पे तो अपने लिए कुछ आपको वेजिटेबल्स बॉईल करने हैं, तो उस चीज के लिए उस पर्पज के लिए ये अच्छा है इलेक्ट्रिक कैटल। और आप अपने कमरे में बैठ के आराम से बिना गर्मी में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है फ्रेंड्स आपके साथ। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।